Baba's love is so real, so true, so pure. His drishti gives us feelings of belonging and bring joy, contentment to the soul. And Baba's love, expression of his words, reminds us for all our beautiful forms of the whole cycle. It's only Father, one who has love, will remind children of what was best in them, best in us. Never, never reminds us, or he wants us to remember the past, which was in Copper Age and Iron Age. Baba wants us to forget whatever wrong, mistakes, or sinful we have done. He doesn't want us to regret or to feel guilty. But he wants us to become aware of all our beautiful and powerful part which we played in different forms. That's Baba's true love. I love Baba not only because he's ocean of love, but what he do for us. He wants us to remain in the awareness of our most elevated forms. Baba wants us to forget all the mistakes we have done in the past. Awareness, beautiful memories, and very, very elevated feelings get created by Baba's words. Baba ke shabd hain. So Baba's drishti. Baba ki drishti. Baba's words. Baba ke words, Baba ke shabd. बाबा को स्नेह के सागर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। बाबा हमारे सच्चे पिता हैं, सच्चे शिक्षक हैं, सच्चे सतगुरु हैं। बाबा जैसे हमसे बात करते हैं और जिस तरीके से हम बाबा को सुनते हैं, हमें को सिर्फ जागरूकता नहीं होना चाहिए पर उसका स्वरूप भी बनना चाहिए। बाबा हमारे को ये अनुभव कराना चाहते हैं हर एक स्वरूप की एलिवेटेड भावनाओं को वो चाहते हैं कि हम महसूस करें एक इस चीज की फीलिंग कि मैं हमेशा मैं इटर्नल हूं, मैं आत्मा शाश्वत है, पवित्र है, इमॉर्टल, अमर है, एंड ऑल पावर्स मर्ज्ड, और सारी शक्तियां मर्ज्ड हैं, सारी शक्तियां मैं
मैं भी इमर्ज करती हूँ उस जागरूकता को, मेरी शाश्वत रूप को, इटर्नल को, शाश्वत को मैं, कि मैं जागरूकता को इमर्ज करती हूँ। और बाबा हमें याद दिलाते हैं जो हमारे आदि, हमारे ओरिजिनल, जो हमारी मूल रूप है, जो हमारा देवता स्वरूप है, बाबा उसे हमें याद दिलाते हैं। बहुत सुंदर ऊर्जा उस एक दाता के स्वरूप में, बेस्टोवर के स्वरूप में, बहुत ज्यादा कंपैशनेट होती है जो, और सारी की सारी दुआएं देने वाली और दयालु, कंपैशनेट। और वही रूप, और जब वो भक्त उसी फॉर्म को वर्शिप वर्दी रूप में एक पंक्तियों में खड़े रहते हैं, पूज्य स्वरूप में हमें देखते हुए और हमारे से वरदान देने के लिए पंक्तियों में लाइन में खड़े रहते हैं, ये सारे फॉर्म जो देवी देवताओं के हैं स्वरूप, बाबा हमें याद दिलाते हैं संगम युग पे लाइफ वन इन विच वी हैव कंसिस्टेंट स्टडी, एक वो लाइफ जिसके अंदर हम पवित्रता और एक सेवा, फिर पापा हमें याद दिलाते हैं हमारे को फरिश्ता स्वरूप के, और एक बेहद की सेवा, लिमिटलेस, असीम सेवा, कोई उसके अंदर बंधन नहीं है, शरीर का बंधन नहीं है, और एक वो सूक्ष्म सटल फरिश्ता स्वरूप में, एक एंजल, एक फरिश्ता उड़ सकता है, तो एक बेहद के रूप में। बाबा हमारे लिए ड्रिल कराते हैं, स्वयं कंडक्ट कराते हैं, तो हम उसकी प्रैक्टिस कर सके, अभ्यास कर सके, और हम इस जागरूकता के स्वरूप बन सके अपने सारे स्वरूपों की, डिफरेंट फॉर्म्स की। मैं अपने दिल से मैं बाबा के स्नेह को महसूस कर सकती हूँ, स्नेह फादर वन हू बिस्टोस, एक पिता जो देता है और जो शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, और मैं बाबा की फॉलोअर बनती हूँ, एक सर्वर। जब मेरा दिल इसको एक्सेप्ट करता है, इसको स्वीकार करता है, तो एफर्ट करना सहज हो जाता है, तो एफर्ट करना, कोशिश करना सहज। मेरा दिल मेरे को जागरूक करने के लिए मेरे सारे मैंने जो पार्ट प्ले किए हैं, पूरे चक्र में जितने मैंने पार्ट किए हैं, बाबा के स्नेह को इस तरीके से सोचें, इस तरीके से सोचना है, और बाबा के स्नेह को अनुभव करें और अपने सारे स्वरूपों को भी अनुभव करना है। बस ये दृष्टि लेनी है और अपने दिल से स्नेह बाबा को एक्सप्रेस करना है, एक बाबा को स्नेह को ऐसे बैठें, स्नेह की मूर्ति बन के बैठें,
as much I think of what Baba says for us. मैं जितना सोचती हूँ बाबा हमारे लिए जो कहते हैं. Lot of love emerges from my heart for Baba. मेरे दिल से बाबा के लिए बहुत प्यार उमड़ता है. And as much as love I have from Baba. और जितना बाबा के लिए मेरे पास मेरे स्नेह होता है मैं उतना ही बाबा से उतना स्नेह प्यार अनुभव करती हूँ. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे अंदर ये स्नेह होए और इस इमर्ज फॉर्म में रूप में बाबा के लिए. मेरा दिल कहता है बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ.
Om Shanti. Increase your count of accumulation. अपना जमा का खाता बढ़ाएं और सेविंग स्कीम बनाएं. Pay attention and save. कम समय में रिजल्ट ज्यादा. And save something. Then जैसे even दान पुण्य. There will be extra happiness. अगर अटेंशन देकर कोई भी चीज की बचत करते हो, चाहे बचत थोड़ी है हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है. अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च होना हो और आपने 1 पाउंड या डॉलर बचा लिया, तो 1 पाउंड की बड़ी खुशी होगी कि बचा कर आए हैं. ओम शांति. शांति, वेलकम टू अभिव्यक्ति परिवार. आप सबका अभिव्यक्ति परिवार में स्वागत है. आज दिन 22, अपना जमा का खाता बढ़ाएं और एक सेविंग स्कीम बनाएं. आज का टॉपिक सेव. अटेंशन देकर बचत करो. मोहिनी दीदी, अब हम मोहिनी दीदी को सुनेंगे. Accumulation. अपना जमा का खाता बढ़ाएं और एक सेविंग स्कीम बनाएं. आज का टॉपिक है अटेंशन देकर बचत करो. ओम शांति एवरीवन. सबको ओम शांति. सब ठीक है. बहुत हम फैमिली और बाबा द्वारा ब्लेस्ड हैं. इस परिवार में एक जादू है. ज्यादा से ज्यादा फैमिली के मेंबर बढ़ते जा रहे हैं. सदस्य बढ़ते जा रहे हैं. परसों में डबल फॉरेनर्स की क्लास लेने गई ज्ञान सरोवर में. 400 थे वहां पे, 400 से थोड़े ऊपर थे. मैंने उनसे पूछा, क्योंकि भूमि बहन कैलेंडर देना चाहती थी, जो कि बहुत ज्यादा बहुत बहुत लोकप्रिय है. बहुत प्रिंट करना चाहते थे, अभी तक हम दे नहीं पाए, क्योंकि हम क्वालिटी बरकरार रखना चाहते थे. बेचना नहीं चाहते थे, हमारी तरफ से एक तोहफा देना चाहते थे अव्यक्ति परिवार की तरफ से. तो हम मैंने उनसे पूछा, जो बहन कोऑर्डिनेट कर रही थी, कि आप में से कितने अव्यक्ति परिवार को सुनते हैं. मैं बहुत अचंभे में हो गई, सभी सुनते थे. इतनी आत्माएं, मैंने नहीं सोचा था कि इतनी आत्माएं या तो YouTube पे या लाइव मुझे सुनते हैं. पर मैं ये भी बात है कि मैं बहुत खुश थी और मैंने ये भी कहा कि मुझे और एफर्ट करना होगा और प्रयास करना होगा, जानते हुए कि आप इतने सारे ज्वाइन करते हैं, बेनिफिट लेते हैं, लाभ ले रहे हैं. मुझे और बहुत अभ्यास करना होगा, रिफ्लेक्ट करना होगा. मैं बिल्कुल नेचुरल रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार से बात कर रही हूँ. ये महीना प्लानिंग का महीना था, बचत के खाचे के लिए योजना बनाने का महीना था, महीना है. कुछ खर्चना चाहते हैं और कुछ बचाना चाहते हैं. हमें दोनों करना चाहिए. मैं सोचती हूँ हमें दोनों करना चाहिए.
आपको बचत भी करनी होती है, कभी आपको खर्चना भी होता है, पर आपको बहुत वाइजली करना पड़ता है, समझदारी से करना पड़ता है। जहां भी आप बचा सके आप बचा सकते हैं। मुझे याद है जब भी हमें कुछ बिल्ड करना होता था या कुछ निर्माण करना था मधुबन में, क्योंकि दादी प्रकाशमणि हमेशा ये सोचते थे जो कुछ भी मधुबन में होता है वो उदाहरण बन जाता है और एक मानक बन जाता है, स्टैंडर्ड दूसरे सेंटर्स के लिए। अभी दादी, जैसे आप जानते हैं, दादी को बहुत शौक था लोगों को खाना खिलाने का, पिकनिक करने का। सेलिब्रेट करने का उन्होंने एक छोटा बस भी लिया का अरेंजमेंट किया उस समय। और मुझे याद है दोपहर में हमें सबको बुलाते थे, चलो हम सब चले। उस तरीके की एक आउटिंग। इतनी बारिश, बहुत रेन बारिश पड़ती है। एक बार उन्होंने हमें बुलाया, छोटा ग्रुप, हम छोटे ग्रुप थे, अमेरिका से, इंग्लैंड से। उन्होंने कहा कि मुझे तुम सबको लेके जाना है कि हमने कहा ओके हम आएंगे। याद है कि उस टाइम अगस्त में बहुत बारिश और फॉग होती है, धुंध, आप अपने रूम से बाहर नहीं देख पाते, देखो तो सारा गीला होता है, वेट, आपका बिस्तरा भी वेट होता है। वो हमारे को हर दोपहर को लेके जाते थे, हम नाश्ता इकट्ठे करते थे, एक छोटी फ्रूट फल पार्टी। पर दूसरी तरफ जब उनको प्रोग्राम देना होता था, कि किस टाइप की टोली देनी है उसके लिए, जब हम पिकनिक ले जाते थे, आप सब जानते हैं, दो बहुत, एक बहुत जो पॉपुलर, जो बहुत लोकप्रिय चीज है वो है हलवा, और वही बनाते हैं, वो बनाते हैं सारा वो आटे के साथ, और वहां लेके जाते थे, उसमें पानी और चीनी डालते थे और पकौड़े भी, तो आधे फ्राई करके लेके जाते थे, पूरे ब्राउन नहीं, और वहां लेके जाते थे और वहां पे फ्रेश फ्राई करते थे। वो डेफिनेटली उसका स्वाद बेहतर होता है। और दूसरी तरफ जब उनको प्रोग्राम देना होता था ब्रह्मा भोजन के लिए, भोली दादी और प्रकाशमणि दादी, वो सुबेरे 7 बजे दोनों मिलते थे, या 10 मिनट 7 मिनट से पहले, क्योंकि दादी को मुंडी में जाना होता था। भोली दादी उनके कमरे में आती थी ये डिस्कस करने के लिए कि नाश्ता, लंच और डिनर क्या बनेगा। दादी जी जो भी उस टाइम पे, जो भी उस टाइम पे जो मौसमी सब्जियां अच्छी हेल्दी होती हैं, बेटर होती हैं, और इवन दाम में रीजनेबल होती हैं, जो अगर आप चीजें खरीदते हैं जो सीजन में नहीं है वो महंगी होती हैं, जो मौसमी नहीं है वो महंगी होती हैं। तो दादी उनको याद होता था, पर दादी की डायरी में लिखते थे, डायरी में दादी जी कितने का क्या सामान आता है, दादी जी लिखते थे, वो हमें बताते थे
आपको अगर एक ऐसा बजट चाहिए जो कि संतुलित हो, आपको रोज देखना होगा हमें क्या पकाना चाहिए सबके लिए. Not only from expenses point of view, वो सिर्फ खर्चे के नजरिए से नहीं, मदद के नजरिए से भी. तो उनके पास अलग अलग तरीके की टोली होती थी. सबसे जो लोकप्रिय टोली होती थी तोशा टोली को कहते थे. वो उनके पास होती थी, उसको फ्राई करते हैं और शुगर कोट करते हैं शक्कर पारा. वो सबसे रीजनेबल, मतलब पैसे में भी रीजनेबल होती है. फिर हम सब जानते हैं हमें एक साल में एक बार कराची हलवा, बहुत स्पंजी होता है वो. वो सबसे ज्यादा महंगा होता था उस टाइम पे कुछ पैसों का. जैसे हमारा पेनी होता है वो पैसा 11 और कुछ, ये 85. मैं रोज हलवा नहीं दे सकती सबको. सेम वही ब्रेड पूरी और रोटी पराठा, चारों चीजों को जानते हैं ना. और थेपला जो हरी सब्जी, जब आप मधुबन में आते हैं तो नाश्ते में खा लेते हैं. पूड़ी ऑयली होती है, सबको पसंद है. रोटी, और आजकल मधुबन में भी चीजें बदल गई हैं. मधुबन में भी हर शाम को आपको मिलेट की खिचड़ी मिल सकती है. मिलेट जो कि बाजरा, बाजरा इंडिया की ही ग्रीन है. सबको पता है इसमें कम ग्लूटन खाना चाहिए, ज्यादा बाजरा. तो खिचड़ी बनाते हैं, उसके अंदर कुछ और मिलाते हैं. मैंने एक दो बार ट्राई की, या फिर वो रोटी भी बाजरे से बना लेते हैं. दादी जी कहते थे किसी एक हफ्ते में एक चीज फिर दूसरी चीज. जो चावल की गुण क्वालिटी थी वो कुछ ज्यादा भी पैसे लग सकते हैं. इस हमारे मन के अंदर जो एक बैलेंस, जिसको कि संतुलन, सिर्फ खर्चने का नहीं, ऐसे लग्जरी की तरीके से नहीं. अगर आपको कुछ खरीदना भी पड़े, अगर आप बहुत महंगा खरीदते हैं, आपकी बुद्धि खींचेगी. चाहे आप मार्बल की टाइल यूज करें, पत्थर की करें, या फिर ईंट की करें, ब्रिक की करें, या में ये रखें. दादी जी कहते थे आप कुछ बहुत सस्ता खरीदते हैं वो बहुत लंबा नहीं चलेगा. इसका मतलब है फिर आपको दोबारा कराना पड़ेगा. वो एक चीज है. वो दूसरी चीज ये है, और अगर आप बहुत महंगा खरीदें या हल्का खरीदें, सस्ता खरीदें, दादी कहते थे एक स्टैंडर्ड रखो. नॉट बहुत महंगा, नॉट बहुत सस्ता, ये एक बजट रखने के जो हैं वो सिद्धांत हैं. अगर छोटी फैमिली है सेंटर पे, या फिर बड़ी फैमिली है. मैं एक सेंटर में गई, उनके पास बादाम का हलवा था. मेरे को उन्होंने दिया, मैंने बहुत हैवी है, मुझे नहीं लगता मैं इसको पचा नहीं पावाऊंगी.
हेल्थ या शुगर की करके बहुत सारी चीजें हेल्दी होती हैं, आपको क्वांटिटी कम में लेनी चाहिए चाहे कितनी सेहतमंद है। तो ये हर समय बाबा इम्पोर्टेंट डाइट के बारे में बात करते हैं, हमारी संकल्पों के बारे में जो अच्छे आहार हैं। हर चीज जुड़ी हुई है, मन और शरीर जुड़ा हुआ है। अगर आपको साधारण चिंतन होते हैं या स्पेशल अच्छे थॉट होते हैं, बाबा कहते रहते हैं चाहे विशेष है कि असाधारण है, पर आप सब आप लोग विशेष हैं, आपके चिंतन साधारण नहीं होने चाहिए बाबा कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई क्रिटिकल नहीं होना चाहिए कि मैं किसी की गंभीर नेगेटिव नहीं होने चाहिए, कोई सूक्ष्म कोई इस तरीके का संदेह नहीं होना चाहिए क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं ऐसा सोचती हूँ कि एक अंदरूनी अंदर से मुझे फेथ आंतरिक मेरे को फेथ होना चाहिए और एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। हर समय एक विशेष क्वालिटी को इस्तेमाल करें, पहले सोचने से और सोचने के समय और सोचने के बाद भी। सोचो, सोचने से पहले सोचो। हम जरूर सोचते हैं बोलने से पहले, हमारी सोचने की क्वालिटी हमारी क्वालिटी साधारण नहीं होनी चाहिए, बहुत विशेष होनी चाहिए। जब सेविंग के बारे में बात आती है, बचत के बारे में, कोई मेरे को याद दिला रहे थे हम कैसे कितना कुछ लुक फॉरवर्ड करते हैं कि कुछ कूपन मिले जो कि सेल पे हो। कूपन कभी कभी आप थोड़ा बचाते हैं, कभी कभी आप बहुत बचा पाते हैं और आप कोशिश करते हैं बचत करने की। तो बचत वेस्ट करना नहीं होता, सेविंग बर्बाद करना नहीं होता। ये नहीं कि आप खर्चेंगे नहीं और बहुत ज्यादा मटीरियली मतलब मटीरियली को उसको इकट्ठा भी ना करें, मतलब खरीद के रख लेती हूँ ऐसा नहीं। जितना आपको आवश्यकता हो उतना रखें, बहुत ज्यादा उसको मटेरियल को एक्यूमुलेट ना करें, इकट्ठा ना करें। बाबा कहते थे बहुत लोग चप्पलें बहुत रखते हैं, सोचते बाबा हमारे को एक तो होनी चाहिए, अगर टूट जाए तो एक्स्ट्रा होनी चाहिए। बाबा कहते हैं एक एक्स्ट्रा रख लो। अच्छा, पर हम में से कोई बहुत रखते हैं। तो सूक्ष्म कार्मिक खाते हैं, ऐसा नेचर नहीं कि मटेरियल चीजों के लिए वर्थ वाइल वे में यूज करना है। बहुत सारी आत्माएं हैं इस दुनिया में, उनके पास उनको पास कोई अफोर्डेबिलिटी नहीं है, उन लोगों को वो वंचित हैं। इस्तेमाल करें, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर शेयर कर सकें। This way you are becoming the conqueror of greed. इस तरीके से आप अटैचमेंट के कॉन्करर्स बनते हैं और ये एक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करते हैं और इसमें हमेशा एक कार्मिक अकाउंट्स की समझ होती है, क्रिएटिंग और उसको सेटल भी करना, एक तरीके की हॉबी, बचत की हॉबी, और जब जरूरत हो उसको खर्चा भी जाए। तो बाबा क्यों कह रहे हैं एक डॉलर और एक पाउंड, एक
कम अगर थोड़ा भी हो तो मतलब एक कंजूस होने अच्छा नहीं है. कुछ लोग बहुत कंजूस होते हैं, वो सिर्फ सोचते हैं कहाँ पे वो कट कर सकते हैं, एक डॉलर या एक पाउंड बचा सकते हैं. Have generosity, but don't waste. Whether it is thoughts, चाहे वो चिंतन हो चाहे शब्द हो, वेस्ट नहीं करें टाइम ऊर्जा कुछ भी इस्तेमाल करें. जब आप बचत करते हैं तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. कभी कभी हमें ज्यादा जरूरत करनी पड़ती है, जब हमारे पास ज्यादा बचत होगी तो हम ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे हमारे को एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और देखें कितने कितने फुल प्रयोग करके देखें हम कितने फुल और कितने खुश होते हैं इस प्रैक्टिस को करने के बाद. ओम शांति. आप सबको कल मिलेंगे. ओम शांति. Increase your account of accumulation. अपना जमा के खाते को बढ़ाएं, सेविंग्स बचत स्कीम बनाएं, अटेंशन देकर बचत करो. अगर आप अटेंशन देकर कोई भी चीज की बचत करते हो तो चाहे बचत थोड़ी हो लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है. अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च होने हैं और अब आपने एक पाउंड या डॉलर बचा लिया तो एक पाउंड की बड़ी खुशी होगी कि बचा कर आए हैं. शांति शांति. Om Shanti Avikti Parivar. So tomorrow is Thursday. Kal Thursday hai. Om Shanti. Brihaspatibar hai. 4:45 a.m. Amrit Vela 4:45 baje tak hoga. 1969 se ki avyakt murliya hamare ko brahman se farishta banane ke liye parivartan karti hain. Om Shanti. Om Shanti. 20th November 1969. 28 November 1969. लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की युक्तियां. अलौकिक. What do you have to do? अपने को परिवर्तन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक चीज लौकिक से अलौकिकता में परिवर्तन करना है जिससे लोगों को मालूम हो कि कोई यह कई विशेष अलौकिक आत्मा है. लौकिक में रहते हुए भी हम लोगों से न्यारे हैं. अपने को आत्मिक रूप में न्यारा समझना है. कर्तव्य से न्यारा होना तो सहज है, उससे दुनिया को प्यारा नहीं लगेंगे. दुनिया को प्यारे by the world, तब लगेंगे जब शरीर से न्यारी आत्मा रूप में कार्य करेंगे. तो सिर्फ दुनिया की बातों से ही न्यारा नहीं बना है. पहले तो अपने शरीर से न्यारा बनना है. When you become detached, जब शरीर से न्यारे होंगे तब प्यारे होंगे. अपने मन के प्रिय, प्रभु प्रिय और लोक प्रिय भी बनेंगे. अभी लोगों को क्यों नहीं प्रिय लगते हैं? क्योंकि अपने शरीर से न्यारे नहीं हुए हो.
सिर्फ देह के संबंधियों से न्यारे होने की कोशिश करते हो तो वह उलहने देते। खुद को क्या चेंज किया है? पहले देह के भान से न्यारे नहीं हुए तो अब तक तब तक उलहना मिलता है। पहले देह से न्यारे होंगे तो उलहने नहीं मिलेंगे और भी लोकप्रिय बन जाएंगे। कई अपने को देख बाहर की बात को देख लेते हैं और बातों को पहले चेंज कर लेते हैं, अपने को पीछे चेंज करते हैं, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव डालने के लिए पहले अपने को परिवर्तन में लाओ। You have to bring about transformation in your vision, दृष्टि, attitude, वृत्ति, स्मृति को, as well as संपत्ति को, use your wealth, समय को परिवर्तन में लाओ, तब दुनिया को लोकप्रिय, दुनिया को प्रिय लगेंगे। क्योंकि जब संपूर्ण हो गए तो उसके बाद फिर क्या करना है? बोलना चालना कैसे हो, मैं बता रहे हैं। जैसे आपकी यादगार शाखों में बताते हैं, संपूर्ण समर्पण किसने और किसको कराया और कितने में कराया? यादगार की याद आती है, राजा जनक का मिसाल को तो बच्चों ने कराया लेकिन बाप ने कराया, ऐसी भी यादगार है। बतलाते हैं ना कि वामन अर्थात छोटा सभी विष्णु सभी से छोटा रूप किसका है? आत्मा, आत्मा और परम आत्मा का। तो बाप ने आकर माया बली जो बलवान हो बलवान है उससे तीन पैर में सभी कुछ लिया, अर्थात संपूर्ण समर्पण बनाया। आप लोगों को भी संपूर्ण समर्पण करना है, अर्थात जो भी माया का बल है वह सभी कुछ त्यागना है। You must not become strong. माया का बली नहीं बनना है लेकिन ईश्वरीय शक्ति में बलवान बनना है। तो जैसे वह तीन पैर दिखाते हैं, यह कौन सी तीन बातें सुनाई जाती हैं जिससे संपूर्ण समर्पण आ जाता है? मनसा वाचा और कर्मणा के लिए क्या शिक्षा के लिए शिक्षा कौन सी है? अगर वे तीन बातें याद रखेंगे तो संपूर्ण समर्पण हो ही जाएंगे। वे तीन बातें कौन सी? एक तो देह सहित सभी संबंधों का त्याग, माम एकम याद करो, यह तो हो गया मनसा। वाचा के लिए क्या शिक्षा मिलती है? हर समय जैसे मोती चुगते हैं, इस रीति मुख से रतन ही निकाले। एक दो को पत्थर, एक दो को पत्थर नहीं लेकिन ज्ञान रत्नों का दान देना है। और कर्मणा के लिए यही याद रखो कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। दूसरी बात, those who do some receive करेंगे सो पाएंगे। ये दोनों बातें याद रहने से कर्मणा में बल मिलता है, अर्थात जो सभी के संपर्क में आते हैं उसमें बल मिलता है। समझा? मनसा वाचा कर्मणा के लिए इन मुख्य बातों को याद रखें तो फिर संपूर्ण समर्पण जो हुए वो उसको अविनाशी बना सकेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ संपूर्ण समर्पण का नशा चढ़ा है वह बाद में कम हो जाए। अगर
ये पक्का याद रखेंगे कि हम तो संपूर्ण समर्पण हो ही गए, तो यह अविनाशी याद आपको अविनाशी बनाकर रखेगी। अगर आप कुछ डगमग हुए तो फिर समस्या डगमग करेगी, आपके डगमग होने को और समस्याओं को देखते हुए लोग भी उनका तमाशा देखेंगे, उसका तमाशा देखेंगे, बाप दादा तो देखते रहते हैं, साथ किसको रखे, साथ किसके रहेंगे, साथी अंगुली छोड़ दे तो क्या करेंगे, सभी अपना साथ निभाएं। बाप दादा तो किसी किस न किस रूप से साथ निभाने अर्थात उंगली पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। He tries to hold on to your finger to such an extent that he gives तक, even those जो बिल्कुल सांस निकलने तक सांस निकलने वाले भी होता है तो भी जान भरते हैं, लेकिन कोई ऑक्सीजन लेना लगाने ही ना दे, नली को ही निकाल दे तो क्या करेंगे। अगर बाप दादा का सहयोग चाहिए तो वास्तव में सहयोग कोई मांगने की चीज नहीं है, सहयोग स्नेही को स्वतः ही प्राप्त होता है। आप बाप दादा का स्नेही बनो तो सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा, मांगने की आवश्यकता नहीं। आधा कल्प मांगते रहे भक्त रूप में, अभी बच्चा बनकर भी मांगते रहे तो बाकी फर्क क्या रहा भक्त और बच्चों में। लेकिन कारण क्या है कि अज्ञानी होकर सहयोग मांगते हो, अधिकारी समझो तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं। बीती सो बीती, जो बीत चुका उसका चिंतन ना करके बीती हुई बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान। अगर बीती हुई बातों को सोचते रहेंगे तो यह भी समस्या हो जाएगी। समस्याएं तो बहुत आती हैं, यह भी एक नई समस्या खड़ी कर देंगे। बीती को परिवर्तन में लाने, बल भरने के लिए उस रूप से सोचो। अगर यह सोचेंगे कि यह क्यों, कैसे हुआ, अब कैसे होगा, जंप दे सकूंगा या नहीं, क्वेश्चन नहीं करो, क्वेश्चन मार्क के बदली फुल स्टॉप बिंदी लगाओ। बिंदी लगाना सहज होता है, क्वेश्चन मार्क तो कोई लिख सके वा नहीं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन लगाना सभी को आता है। बिंदी लगाते जाओ तो बिंदी रूप में स्थित हो सकेंगे। म्यूजियम या प्रदर्शनी में आप लोग समझाने के बाद फिर क्या करते हो? म्यूजियम व प्रदर्शनी के पश्चात क्या करना है, वह पर्चा सभी को देते हो? You have to imbibe the divine virtues. तो बाप दादा भी आज पूछते हैं कि आप भट्टी के पश्चात क्या करेंगे? But what will you do in a practical form? यज्ञ के कार्य को कैसे आगे बढ़ाएंगे? अपनी उन्नति का साधन करेंगे, क्या करेंगे? दैवी गुण धारण करना, स्नेही बनना, यह तो करना ही है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में क्या देंगे? जैसे आप लोगों ने सुनाया भी कि अपने बाप दादा के परिवार में स्नेही सहयोगी बनेंगे, लेकिन वह भी किन किन बातों में बनना है? मनसा वाचा कर्मणा के साथ साथ तन मन धन तीनों रूपों से अपने को चेंज करना है,
मददगार और वफादार। जब दोनों बातें होंगी तब बाप दादा और परिवार के स्नेही और सहयोगी बन सकेंगे। जो सहयोगी होंगे उनकी परख क्या होगी? वह परिवार और बाप दादा के विचारों और जो कर्म होते हैं एक दो के समीप होंगे। एक दो के मत के समीप आते जाएंगे तो फिर मत भेद खत्म हो जाएगा। एक तो मददगार और वफादार, उसका तरीका भी बताया। दूसरी बात यह है कि जो भी संपूर्ण समर्पण होते हैं उनको अपना तन मन धन और समय, ये चारों चीजें कहाँ लगानी है? ये तो जरूर है कि प्रवृत्ति मार्ग तरफ भी ध्यान देना है, लेकिन यह जो चारों चीजें देते हैं हो उसको, इसके लिए आपके मन में जजमेंट ठीक है कि हम यथार्थ रीति प्रयोग कर रहे हैं? संपूर्ण समर्पण आत्मा को जो सचमुच तन मन धन और समय देना चाहिए इस प्रमाण दे रहे हैं? यह पोता मेल भी निकालो मन धन और समय का प्रयोग कैसे कहां करते हैं? ये आगे कंटिन्यू होगा। ओम शांति। Increase your account of अपना जमा का खाता बढ़ाएं। Make a saving scheme. एक बचत की स्कीम, सेविंग स्कीम्स बनाएं। Pay attention and save. अटेंशन दें और बचाएं। अटेंशन देकर बचत करो। If you pay attention, अगर अटेंशन दें करके कोई भी चीज की बचत करते हो तो चाहे बचत छोड़ी हो लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। अगर 10 पाउंड या $10 खर्च होना है और आपने एक पाउंड या डॉलर बचा लिया तो एक पाउंड की then there will be बड़ी खुशी होगी कि बचा कर आए हैं। जमा का खाता बढ़ाओ, बचत की स्कीम बनाओ। अटेंशन दे करके बचत करो। अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज की बचत करते हो तो चाहे बचत थोड़ी हो लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च होना है और आपने 1 पाउंड या डॉलर बचा लिया तो 1 पाउंड की बड़ी खुशी होगी कि बचा कर आए हैं।